आज मैं फिर वही काम करने जा रहा हूँ जिसके लिए संगीत जगत में जो सीखने वाले हैं उन्होंने तो हमें शुक्रिया किया है, लेकिन जो सिखाने वाले हैं उन्होंने इस बात का शिकवा किया है। जिस चीज़ के लिए हमारा चैनल मशहूर है, जो मकसद मेरे पिताजी, मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी लेकर चले हैं हमेशा, और इस चैनल की बुनियाद वही मकसद है, उसी पर थोड़ा सा अपनी ओर से एक और माइलस्टोन कवर करते हुए, और वो मकसद है कि पूरे विश्व को संगीत सिखाना है, पूरे विश्व को संगीत से संबंधित ज्ञान देना है, जो कुछ हमारी सीमित समझ में है, और वो भी निशुल्क। जब भी कोई फ्री लर्निंग की बात करता है, सो देयर इज ऑलवेज अ कैच, यानी वहाँ कोई ना कोई वो ऊपर स्टार का बिंदु होता है जो ये कहता है कि कंडीशंस अप्लाई। हमारे चैनल पर भी मैंने लगभग हर वीडियो में ये चीज़ बोली है कि निशुल्क संगीत हम लोग सिखाते हैं। कई जगह पर्टिकुलर कुछ वीडियोस बनाए जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम निशुल्क संगीत सिखाते हैं, लेकिन फिर भी कई विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहा कि हम शायद यहाँ बुलाकर, जहाँ मैं हूँ उदयपुर राजस्थान का हूँ, तो यहाँ पर शायद हम ऑफलाइन क्लासेस निशुल्क चलाते होंगे या फिर वीडियो कॉल पर हम निशुल्क सिखाते होंगे, ये कन्फ्यूजन्स बने रहे। तो मैंने कई बार उस चीज़ को भी क्लियर किया कि भाई यूट्यूब पर जो हमने प्लेलिस्ट्स बनाई हुई हैं या जो वीडियो मटेरियल है या वहाँ जो टेक्स्ट मटेरियल अवेलेबल है वो निःशुल्क है। इतना मटेरियल इतनी तादाद में इतनी बारीकी से क्योंकि किसी ने नहीं दिया लगभग आज तक, तो एटलीस्ट जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक तो ये इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने ये दावे के साथ हमेशा से कहा और कहते हैं कि हम निशुल्क संगीत सिखा रहे हैं। ऑल्दो देखा जाए तो यूट्यूब पर सब कुछ फ्री ही है, जो भी यूट्यूब पर सिखा रहा है वो फ्री ही तो सिखा रहा है, वहाँ कौन से वीडियो देखने के पैसे लग रहे हैं, लेकिन वीडियो का जो कंटेंट है उसमें जो सिखाई गई बातें हैं वो कितनी तफसील से हैं, कितनी बारीक और कितनी डिटेल में हैं, उस पर निर्भर करता है। तो हमने हमेशा से बारीकी से सिखाया, लंबे वीडियोज़ दिए, लेसन प्लान्स दिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए, बांसुरी, हारमोनियम, तबला, ढोलक, गिटार, सितार, वायलिन, हाँ, वोकल्स, क्लासिकल वोकल्स, सुगम गायन और बाकी भी संबंधित जो भी चीज़ें संगीत से रिलेटेड हैं वो सारी हमने दी हैं, और तफसील से, बहुत बारीकी से, बहुत विस्तार से हमने उन चीज़ों को सिखाया, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम निशुल्क संगीत सिखा रहे हैं। आज उसी के चलते एक और नया कदम मैं उठाने जा रहा हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा हूँ, चीज़ें चल रही हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, लेकिन आज उन सारी रिकॉर्डिंग्स को मैं पब्लिक करने जा रहा हूँ, आप सभी लोगों तक पहुँचाने जा रहा हूँ, वो हैं फ्री अलंकार लूप्स। रियाज करने के लिए साथ में कोई एक साज नहीं है आपके पास, या फिर कोई गुरु भी नहीं है कि जिन गुरु के साथ बैठकर आप रियाज कर सको, या फिर जिस साज को बजाकर आप रियाज कर सको, ऐसा कुछ है नहीं आपके पास। तो किस तरह से रियाज किया जाएगा भैया? आप या तो पेड क्लास ज्वाइन करोगे जहाँ गुरुजी आपको रियाज कराते हैं, या फिर आप पैसे देकर एक इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे जिसके साथ बजा बजा कर आप रियाज करोगे, सीधी सी बात है। अब ये सब अगर नहीं हो पाता है, इतना आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं हैं कि रियाज कर सकें गुरु के पास जाकर, या फिर साज खरीद सकें, तो क्या इलाज है? तो इलाज आता है ऑडियो लूप्स या फिर वीडियो लूप्स, जो कि मैंने क्रिएट किए हैं। अपनी क्लासेस में विद्यार्थियों को इन्हीं के माध्यम से मैं रियाज करवाता हूँ, और आज मैं वो सारी चीज़ें पब्लिक करने जा रहा हूँ। पहले से भी पब्लिक ही थी, बट मैंने उनको कभी उतना प्रमोट नहीं किया क्योंकि वो कच्ची पक्की थी, उतनी बनी नहीं थी, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह रही थी, जो मुझे लगा कि एक बार मैं पूरी कर दूँ फिर मैं पब्लिकली सभी लोगों को दे दूँ, ताकि वो एक बार में ही सभी के काम आ जाए, उसमें कुछ खाली ना रह जाए, उसमें कुछ बाकी ना रह जाए, तो वो मैं पूरी कर रहा था। तो लगभग मुझे ऐसा लगता है, ऑल्दो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन इतनी पूरी हैं, इतनी पर्याप्त हैं कि आप उनके साथ रियाज कर सकेंगे। किया क्या है मैंने वो मैं बता देता हूँ। डिफरेंट पिचेस से, जैसे कि पहली सफ़ेद, जैसे कि पहली काली, जैसे कि पाँचवीं काली, चौथी काली और तीसरी काली, खासा यही पिचेज़ मैंने क्यों चुने हैं, वैसे तो 12 पिचेज़ होते हैं, मैं तो कहीं से भी उन अलंकारों को गा सकता था, लेकिन ख़ास करके पहली सफ़ेद, जो कि मर्दाना आवाज़
यानी मेरी उम्र जो है 24 से थोड़े छोटे भी जिनको एडोलेसेंस हो चुकी है और आवाज़ बदल रही है उनकी उम्र में, और उससे बड़ी उम्र में मेरे ख्याल से लगभग 40 के भी थोड़ा सा आप 45 लगा लें वहाँ तक के जो मर्द हैं, जो मेल वॉइसेस हैं, वो पहली सफ़ेद से या पहली काली से अच्छे से अलंकारों को गा सकते हैं, उनको तकलीफ़ नहीं होगी। महिलाएं और छोटे बच्चे जो हैं वो चौथी और पांचवी काली से, यानी फोर्थ एंड फिफ्थ ब्लैक, जी शार्प एंड ए शार्प पिच से वो लोग ठीक से गा सकते हैं। थोड़ी बहुत एज वाली महिलाएं और बहुत एज वाले मर्द जो हैं, जो उनका सुर जो है, क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी बैठ चुकी है या आवाज़ में थोड़ी सी तकलीफ़ है उनको, तो वो जो हैं वो निचले सुरों से गाते हैं, जैसे कि तीसरी काली एफ शार्प यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाली, जो मंद्र सप्तक में तीसरा काला आता है वहाँ से गाते हैं। उमूमन ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया है अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर करके, सबको अलग अलग पिचेस से गवा कर देख कर, इसीलिए मैंने खास करके इन्हीं पिचेस को चुना फ़िलहाल के लिए। एटलीस्ट आज की तारीख में जो मैं ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ, तब तक मैंने इतने पिचेस से तीसरी काली, चौथी काली, पाँचवीं काली, पहली सफ़ेद से, मेरे चार पिचेस से मैंने बहुत सारे अलंकार, अब कितने हैं क्या नंबर है उसका वो मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन हाँ सेपरेट फोल्डर्स बना रखे हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पर जाकर, गूगल ड्राइव का वो लिंक है, गूगल ड्राइव के लिंक पर जाकर आप उन सभी ऑडियोज़ को या तो डाउनलोड कर लो या फिर वो ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल हैं, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा वहाँ अवेलेबल रहेंगे, उन पर कोई बाधा नहीं है, स्टिल आप चाहो तो डाउनलोड भी कर लो। सभी को मैंने अपनी ही आवाज़ में गाया है, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ तो मैं अपनी ही आवाज़ में रियाज़ करा देता हूँ, जैसा जो कुछ मुझे आता है, जैसा मेरा सुरीलापन है भी या नहीं भी जैसा है, वो लोग गुणीजन जज करेंगे उस चीज़ को। तो हारमोनियम के साथ बजा बजा के बाकायदा एक एक अलंकार को अलग अलग लयों में मैंने गाया हुआ है। जैसे प्रारंभिक जो अलंकार हैं, सारे ग म प ध नि सा सा सारे रे ग ग म म, सारे ग रे ग म ग म प म प ध, सारे ग म रे ग म प ग म प ध, ये जो प्रारंभिक अलंकार होते हैं जो हर विद्यालय में सिखाए जाते हैं, वो वहाँ से मैंने शुरुआत की है, भले फिर वो तीसरा काला हो, चौथा काला हो, पांचवा काला हो या पहला सफ़ेद हो, बिलावल थाट में शुद्ध सुरों में मैंने सबसे पहले उन्हें गाया है। अगर ये लिंक्स आप अपने पास रखेंगे और उनसे जुड़े रहेंगे तो मेरा ऐसा दावा है कि इन फ्यूचर उन्हीं लिंक्स पर मैं कोशिश करूँगा कि और भी चीज़ें अपलोड करते रहूँ, और भी कठिन अलंकार हों, कठिन बंदिशें हों। मैंने यूट्यूब पे उन सब को इसीलिए नहीं अभी तक अपलोड किया है क्योंकि यूट्यूब पर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने गूगल ड्राइव पर वो रख रखा है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक वे में है। जल्द मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पर उनका वीडियो बनाकर भी डाल दूँ, सूडो वीडियो जिसको कहते हैं, कि खाली फ़ोटो लगाकर मैं डाल दूँ जिसके साथ किया जा सके रियाज़। उनकी PDFs अवेलेबल हैं हर एक फोल्डर में जो पलटा मैं गाने जा रहा हूँ उसकी PDF अवेलेबल है। हर एक फोल्डर में हर अलंकार की कम से लेकर तेज़ गति तक सारे ऑडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब आप लोग सोचें, इतना काम अगर मैंने कर दिया, उसमें थाट की जानकारी, मेरुखंड है उसमें अलंकार, उसमें प्रारंभिक अलंकार हैं, उसमें अलग अलग पलटे हैं, उलझे हुए पलटे हैं जिनको सेपरेटली भी मैंने वीडियोज़ में समझाया हुआ है और इन ऑडियो लूप्स में मैंने उनको गाया हुआ है, ताकि इनको साथ चलाकर आप रियाज़ कर सकें। क्योंकि क्या होता है, जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो माता पिता उसको अपनी उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, वो खुद नहीं जानता, बॉडी बैलेंस उसको नहीं पता होता अपना, कि वो कभी गिर जाएगा, कभी फिसल जाएगा, कभी कुछ भी हो सकता है। या फिर एक जब खेत जोता जाता है तो एक बड़े सशक्त बैल के साथ एक छोटा बैल का बछड़ा भी साथ में जोड़ा जाता है, ताकि बैल के साथ चलते चलते शायद वो मसल मेमोरी उसको हो जाए, आदत पड़ जाए कि किस तरह से खेत जोता जाता है। इसी तरह से रियाज़ जब किया जाता है तो कोई चाहिए जिसके साथ रियाज़ करें। तो मैंने बाकायदा मेट्रोनोम लगाकर, तालें लगाकर मैंने कोशिश की है उन अलंकारों को गाने की जिनके साथ आप रियाज़ कर सकें। और अलग अलग अलंकार हैं, अलग अलग सुर से हैं, वो सुर आप अपना जाँच लें या फिर मुझे संपर्क करें और मेरे सामने बैठ कर मैं आपका सुर जो है वो जाँच कर आपको बता सकूँ। वीडियो कॉल पर जो भी क्लासेज होती हैं, आज की तारीख से बता रहा हूँ ये, इन फ्यूचर का मुझे नहीं पता क्या मानस बन जाए या क्या सिचुएशन बने, कैसे क्या हो। फिलहाल वीडियो कॉल पर मैं क्लासेस करता हूँ, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर, जूम पे, स्काइप पे, जैसे भी हैं। वन ऑन वन सेशन भी होता है मेरा, ग्रुप सेशंस भी होते हैं, तो वो आप संपर्क करेंगे तो पता चली जाएगा, लेकिन वो पेड है। ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन लोगों को है, लोगों को लगता है कि मैं वीडियो कॉल पर भी फ्री में सिखाता हूँ। फिलहाल तो नहीं, इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर मैं उसका प्रसार और प्रचार करूंगा कि मैं वीडियो कॉल पर भी फ्री क्लासेस ले रहा हूं। जैसे हम कभी ग्रुप सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं तो वहां हम बताते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप सेशन है।
पर्सनल क्लासेस जो वन ऑन वन सेशंस हैं, यानी जिसमें सिर्फ आप होंगे आधे एक घंटे के लिए, वो अभी पेड हैं फिलहाल के लिए। इन फ्यूचर क्या होता है मुझे नहीं पता, अगर वहाँ उनको फ्री करने का मेरा दिल किया, मन किया, या वो सिचुएशन ऐसी बनी कि वो सहूलत है मुझे ऐसी कि मैं कर सकता हूँ और दिक्कत नहीं आएगी, तो ज़रूर मैं वो करना चाहूँगा। मैं तो यूट्यूब पर भी इसीलिए हूँ कि निःशुल्क दे सकूँ, हर चीज़ कोशिश कर सकूँ। भले ही फिर कई लोग जो होते हैं वो हमें ये कहते हैं, पिताजी को भी कहा है कई बार, हमें भी कहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो अपने हाथ काट कर दे रहे हैं। यानी अगर इतना मैं सिखा दूंगा, सब मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पर सब फ्री में दे दिया, ऑडियो लूप सब मैं आप सभी लोगों को देने जा रहा हूँ, जिसमें कि अलग अलग सेपरेट अलंकारों की PDF भी है, वो भी मैं देने जा रहा हूँ, तो फिर तो कोई आपके पास आएगा ही नहीं। मगर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं और मुझे नहीं लगता आगे भी ऐसा होगा, क्योंकि I don't know, because this is welfare, this is, ये लोगों के लिए है और हमारा यही मकसद रहा है। अगर हमें आमदनी भी करनी, जीवन यापन भी करना है, तो उसके दूसरे और तरीके खुद ब खुद निकल आए और निकल आते हैं। संगीत से ही किया ऑफकोर्स, क्योंकि वही हमारा विषय है जीवन में। लेकिन सिखाने की जहाँ तक बात है, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं जितना हो सके लोगों की निःशुल्क मदद कर सकूँ, उस ज्ञान की कीमत न लगाऊं, क्योंकि ज्ञान की कीमत नहीं है, समय की कीमत है। अगर मैं पर्सनल क्लास पे भी आपसे अगर दक्षिणा चार्ज कर रहा हूं, तो इट इज़ जस्ट फॉर द टाइम। ये प्रोफेशनलिज्म है, आप थोड़ा तो इतना आप भी समझेंगे, कोई अपना व्यवसाय लेकर बैठा है तो कुछ तो उसकी दक्षिणा उसको भी आपको देनी चाहिए। बगैर दक्षिणा के गुरु ज्ञान पाना भी ठीक बात नहीं है, और ये मैं अपने लिए भी मानता हूँ इस चीज़ को, इसीलिए कह रहा हूँ। खैर, तो वो आज का टॉपिक ये नहीं है कि मैं कितना भला आदमी हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वो ना मेरा ऐसा मानना है। मैं आई एम जस्ट हेल्पर इन म्यूज़िक। अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो अगर मैं आगे तक पहुँचा पा रहा हूँ, तो इसमें मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है एक्चुअली में, ये मुझे करना है, ये करना चाहिए मुझे, नहीं करूँगा तो गलत बात हो जाएगी। सो वो बात है। खैर, तो मैं जितने ऑडियोज़ मैंने आपके अभी अभी आपके स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल रहे थे, इन सब के साथ आपको रियाज़ करना होगा। अब इम्पॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि इस सब के बावजूद क्या क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत है? तो ऑफ कोर्स हाँ, क्यों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। YouTube वीडियोस हों या ये जो ऑडियो लूप्स हैं या वीडियो लूप्स हैं, ये इंटरैक्टिव नहीं है। इनके साथ रियाज कर सकते हो, इनसे जानकारी ले सकते हो, जांच नहीं कर पाओगे। गुरु का काम, टीचर का काम, गाइड का काम, हेल्पर का काम यही होता है कि वो आपको आपकी जांच करता है। तो अगर आप मेरे पास आते हो क्लास में, सो द ओनली थिंग विच आई एम गोना डू, वो एक काम जो मैं करता हूँ, जिसके लिए आपको क्लास से जुड़ने की ज़रूरत है, वो जांच है। क्या आपने ठीक से समझा? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, देर आर थ्री स्टेजेस, तीन स्टेजेस होती हैं सीखने सिखाने में। पहला मेरा सिखाना, दूसरा आपका समझ जाना, पहला मेरा समझाना, दूसरा आपका समझ जाना, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, वहीं हम मिस कर जाते हैं। पहला मेरा समझाना, दूसरा आपका समझना, तीसरा मेरा ये समझ लेना कि आप समझ गए। ये जो वेरिफिकेशन, कन्फर्मेशन या वैलिडेशन की जो स्टेज है कि हाँ आप सीख गए हैं, आपने सही बात समझी है, सही तरीके से आप समझे हो, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ और बोला और आप कुछ और समझे, ऐसा नहीं हुआ। इस चीज़ के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है कि गुरु जी आपने ये चीज़ बताई थी, मैं इस तरह से समझाऊँ, क्या मैं ठीक समझाऊँ? फिर आपके गुरु आपको बताते हैं, हाँ यहाँ तुम चूक गए, ये बात तुम गलत समझ गए, ये ऐसे नहीं, वो ऐसे होनी चाहिए थी। तो बस वो बातें जो हैं हम क्लास में कर लेते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं और कुछ चीज़ें रियाज के परे भी होती हैं। वैसे तो मोस्टली संगीत में 80% जो है वो रियाज है और विद्यार्थी का काम है, 20% टीचर का काम होता है। तो वो 20% ही काम मैं करूँगा, उसमें मैं आपको गाइड ही करूँगा कि नुक्ताची बनूंगा, जिसको कहते हैं कि आलोचक, कि बताऊंगा, और प्रशंसक भी ऑफकोर्स, कि भाई ये अच्छा कर रहे हो, ये ख़राब कर रहे हो, वो मैं बता सकता हूँ और वहाँ मैं गाइड कर सकता हूँ आपको, दैट इज़ माय जॉब। बाकी जितना काम है वो आपका है। अगर क्लास में भी मेरे पास आते हैं विद्यार्थी, तो मैं उनको रियाज़ कराता हूँ, तो इन ऑडियोज़ की मदद से रियाज़ कराता हूँ, कुछ और क्रिएट करता हूँ उनके लिए, क्योंकि कई बार होता है कि ये इनफ नहीं है, ये जो ऑडियोज़ भी बने हैं ये भी इनफ नहीं है, बिकॉज हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट के मुताबिक मुझे उसके लिए चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है, और वही जुड़ते जुड़ते आज ये एक इतनी सारी फाइल्स बन गई, इतने सारे फोल्डर्स बन गए हैं। अब इसमें भी प्रॉपर गाइडेंस के लिए ही आपको मेरे पास आना पड़ेगा, और ऑफकोर्स उसके लिए आप मेरा समय मांगेंगे, और इतना तो आप भी समझेंगे कि समय की तो कीमत आपको देनी पड़ेगी, और वो कीमत कोई ज़्यादा नहीं होती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बड़े बड़े लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, और मैं सिर्फ मिनिमल चार्जेस रखता हूँ उसके, और वो भी इसीलिए क्योंकि मैं कोई दूसरा काम छोड़कर, अपना काम छोड़कर आपकी सहायता करने जा रहा हूँ पर्सनली,
कि फ़ोन पर अगर मुझे आपको बताना पड़ेगा या वीडियो कॉल पे बताना पड़ेगा तो ऑफकोर्स वो तो आप भी इतना तो आप भी समझेंगे। उसके अलावा मैंने इतना मदद कर दी है, आप में से चैट पर डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हमारे लोग हैं, हमारी टीम है जो आपको वहाँ रिप्लाइज़ करती है, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करती है। इतना सब मदद करने के बावजूद 2500 वीडियोज़ ऑलमोस्ट हमारे चैनल पर हैं अभी आज की तारीख में, 11 साल मेरे ख्याल से हमारे चैनल को हो चुके हैं ये काम करते करते। स्टिल लोगों का ये मानना है कि हम लोग तो हमारा क्या, बहुतों के लिए मानना होता है ये लोगों का कि आप तो निशुल्क की बात की थी और आप तो पैसा मांग रहे हो। इतना कुछ हमने फ्री में दे रखा है, अगर उसके बाद अगर हम किसी चीज़ की दक्षिणा चार्ज कर रहे हैं तो उसकी कोई वजह होगी और वो भी जल्द ही हम आपको निशुल्क दे देंगे, मत चिंता कीजिए, है ना। क्योंकि हमारा मकसद ही वही है, हम यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे, लेकिन अगर हमें आपके लिए कॉन्टेंट बनाना है, लोगों से मिलना है, चीज़ें जुटानी है, तो उसके लिए तो ऑफकोर्स आर्थिक जो समस्या है वो तो आती है सामने, तो उसके लिए हम ये चीज़ें कर लेते हैं। अदरवाइज़ हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से बिल्कुल ना लेना पड़े, हम तो कहीं और से ही जुटाकर और आपके लिए ये काम करें, कंटेंट बनाएं आपके लिए और चीज़ें आप तक पहुंचाएं, और वो होगा, बिल्कुल होगा, मुझे उस पर यकीन है, विश्वास है अपनी दृढ़ता पर, अपने पिताजी के लक्ष्य पर कि वो चीज़ पूरी हम कर रहे हैं और करते रहेंगे और हो रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये लिंक्स आपके लिए काफ़ी हैं। ताल की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने ऐसे कई लूप्स बनाए हैं, उनको मैंने थोड़ा प्राइवेट करके दूसरे चैनल पर डाला है क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी में मैंने क्रिएट नहीं करे थे, वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए थे, तो वो भी मैं लिंक्स उनके भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका भी रियाज़ करें आप। पहले भी मैं कई बार दे चुका हूँ वैसे अलंकार के लूप्स, मगर उसमें मैंने बजा कर दिया था, इस बार मैंने गाकर बनाए हैं, डिफरेंट पिचेस से थाटों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने बनाई है। इसके अलावा भी अगर आपको मेरी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर संपर्क करें मुझसे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, और यहाँ पर क्लास से भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, जहाँ इन ऑडियोज़ के या बाकी चीज़ों के परे जांच के लिए आप मेरे पास आएंगे, सिर्फ मेरा काम जांच का है, अदरवाइज़ इलाज तो ऐसा है कि आज की तारीख में गूगल पर भी हो जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे परामर्श करने, अगर तो वहाँ उसकी कंसल्टेंसी फ़ी होती है। आप सोचें मैं क्यों दूं इसको कंसल्टेंसी फ़ी, मैं तो खुद ही गूगल कर लूँगा कि साहब मेरी बॉडी गर्म हो रही है, ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, तो सिम्टम्स आपने खुद ने लिख दिए, बीमारी के नाम पे आपको कैंसर बता दिया गया वहाँ, जबकि ऐसी कोई बड़ी बीमारी आपको है नहीं, गूगल ने मिस इंटरप्रेट किया आपको, आपकी आपके सिम्टम्स को, यानी जो आपने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, उसको गलत समझ कर आपको कोई बीमारी आपको बता दी और उसका आपने कुछ का कुछ इलाज जो है खुद से करना शुरू कर दिया। तो जब भी किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं जो उस फील्ड में बरसों से है, तो वो आपको सही राह दिखाएगा और उसके लिए आपको उसकी दक्षिणा जो है देनी होती है। बाकी किताबों की कोई कीमत नहीं है, किताबों में सब कुछ लिखा है, वो मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ, वो मैंने दे भी रखी है, अगर लिंक्स पे जाओगे तो इसमें कई पीडीएफ्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी जिसमें अलंकार हैं, पलटे हैं सारे, उनकी कोई कीमत नहीं है, वो तो ठीक है मैंने बनाया, वो एक बार मैं बनाऊंगा और हज़ार बार क्या उसके पैसे लेना, वो दे दिए मैंने फ्री में, ठीक है। मेरा ये भी मानना है, दूसरा आखिर बात बोलता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, जब भी अपने गुरुओं के पास जाएं कभी फैक्ट्स मत पूछिए उनसे, क्योंकि फैक्ट्स तो गूगल और किताबों में भी मिल जाते हैं, उनसे उनका अनुभव लीजिए, उस अनुभव की उनको दक्षिणा दीजिए, उस अनुभव का उनको समय दीजिए, उस अनुभव को ही सीखिए। किताबों में सारी नॉलेज है, फिर क्यों गुरु हैं, फिर क्यों गुरुकुल हैं, फिर क्यों स्कूल है, क्योंकि कुछ चीज़ें किताबों के परे होती है और वो गुरुओं से ली जाती है जिसे अनुभव कहते हैं, कि उन्होंने क्या जाना इस राग के बारे में, उन्होंने क्या जाना रियाज के बारे में, भावनात्मक रूप से, या फिर उसका रस जो उन्होंने महसूस किया, वो गुरुओं से जानिए। कि राग यमन अगर आप जानते हैं तो राग यमन के बारे में तो सब कुछ किताबों में लिखा है, उसके आरोह अवरोह पकड़, उसकी बंदिशें, उसके पलटे, सब कुछ किताबों में है, वो मत मांगिए गुरुओं से, गुरुओं के पास जाकर उनका अनुभव मांगिए कि साहब यमन गाते समय आपको महसूस क्या होता है और क्यों शाम के वक्त ही आप यमन गाते हैं और ऐसा क्या है इसके चलन में जो इसे दूसरी रागों से भिन्न करता है, किसी भी राग को, सिर्फ यमन का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उदाहरण है, ठीक है। तो ये गुरुओं से जानिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो जो भी मटेरियल है मैंने प्रोवाइड किया है, इसके अलावा भी इन लिंक्स पर मैं कोशिश करूँगा और मटेरियल अपलोड करते रहने की, MP3 में अवेलेबल है ये और PDFs इसकी अवेलेबल है, इन सब के साथ रियाज़ कीजिए, खूब आनंद आएगा आपको। अपना सुर जांचने के लिए ज़रूर एक बार गुरु का परामर्श ले लीजिएगा कि कौन से सुर से आपको रियाज़ करना चाहिए। इसमें अलग अलग स्पीड्स हैं, स्लो से शुरू कीजिएगा, फास्ट की ओर बढ़िएगा, ये तो कुछ बातें कॉमन सी हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। बाकी क्लास से जुड़ जाइए, जो अगर इसके परे भी जाँच होगी और अगर मेरी ज़रूरत पड़े फिर भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। शुक्रिया।